हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। एक और नया दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज फिर से हम अपनी मतलब मेरी अपाचे RR 310 के ऊपर मैं इसके 5 हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो बने रहना इस ब्लॉग में। और अभी मेरे साथ क्या हुआ मैं ये भी दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा स्क्रैच पड़ गया, पहला स्क्रैच पड़ा है मेरी गाड़ी पर जो इसके टैंक में पड़ा है। और यार मैं मतलब TVS वालों से थोड़ा खफा हूँ यार, इतना भी क्या इनने हल्की बॉडी बना रखी है, इसने क्या पेंट कर रखा है इनने कि हल्का सा लगते ही इतना घिसड़ गया है। तो दिखाता हूँ आपको क्या हुआ मेरे साथ अभी, ठीक है? तो बने रहो ब्लॉग। ऑलराइट, तो ये अपनी बीस्ट खड़ी हो रखी जैसे कि आप देख रहे हो। और सामने कौन है? कहाँ भाई, ठीक हो? अच्छा ठीक है। तो ये देखो अपनी बीस्ट खड़ी हो रखी है, और ये देख लो पहला शुभारम्भ ये हुआ है हमारे साथ आज। शिवम भाई देख रहा है तू? यार भाई देख ले यार, स्क्रैच पड़ के बताऊँ मैंने क्या किया। ये हेलमेट मैंने अपने हाथ में रख रखा था और ये थोड़ा सा लगा होगा, इस पर टच हुआ होगा, और देख लो इतने में इतना स्क्रैच पड़ गए। तो यार मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं इतनी सेफ्टी के साथ इतनी प्रिकॉशन रख रहा हूँ, बल्कि ये गाड़ी में कोई भी स्क्रैच ना पड़े, पर फिर भी ये स्क्रैच पड़ गया तो मेरे दिल पर क्या बीतरी होगी इस समय आप सब समझ सकते हो। नई गाड़ी में जब थोड़ा सा लगता है ना तो यार दिल में धक धक तो रुकी जाती है पूरी। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख रहे हो और तो बाइक पूरी खतरनाक लग रही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बस इसमें। मतलब यार एक तो इसके लुक पे इतने लोग पागल है ना, क्या बताऊँ। मतलब मैं मार्केट में लेके जाता हूँ तो लोग फोटो खींचने के लिए बोलते हैं कि भाई खींच ले हम खींच। क्यों भाई सूर्या, सही सौदा है कि नहीं है? बिल्कुल भाई, यार देखो भाई ये भाई और ख़तरनाक है हमारे। आज सुबह से मैं सुबह बताऊँ तो मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया ना, मैं दिन में खाना खाया। आज मेरा सुबह से पेट दर्द सा हो रहा है इस चक्कर में, पर मैं ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ सकता यार, तो मैं ब्लॉग तो बनाऊँगा ही, चाहे कितनी भी चीज़ें आए, कितनी भी दिक्कत हो मेरे को, पर मैं ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ूंगा। अब सीधा आते हैं पॉइंट पे, मैं बताने वाला हूँ उसके 5 हिडन फीचर। सबसे पहला फीचर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, चलो बता देते हैं। ये हमारी गाड़ी का है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पे बटन्स आते हैं, ये हमारे लाइट का हो गया, हाई बीम लो बीम ये होगा, ये किस चीज़ का बटन है? ये हैजार्ड का बटन है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे हम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर खोलेंगे ना, ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमने खोल दिया, ओके ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अब ये बटन है हमारा हैजार्ड लाइट का। तो अब आप जैसे देख रहे हो चारों इंडिकेटर जलने लग गए, ब्लिंक हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, इंडिकेटर ब्लिंक हो रहे हैं हमारे, ये देखो। अब मैं इसकी चाबी बंद कर दूंगा ना तो अभी ये इंडिकेटर ब्लिंक होंगे, ये देखो इंडिकेटर ब्लिंक हो रहे हैं, देखो अभी भी, ये देख लो। तो ये बहुत ही तगड़ा फीचर लगा मुझे इस बाइक का, कि अगर बाई चांस बाइक कहीं पे ख़राब हो जाती है या कहीं पे आप हाईवे पे रुके हुए हो और आपको चाबी निकालनी पड़े और अंधेरा और रखा है पूरा और आप चाह रहे हो आपके चारों इंडिकेटर जलें, तो बिना चाबी के भी ये चारों इंडिकेटर जलते रहेंगे जब तक आपका दोबारा आप इग्निशन ऑन करके इस बटन को दोबारा प्रेस नहीं करते, तब तक ये जो हमारे इंडिकेटर्स हैं ये बंद नहीं होंगे, ओके। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स लगा। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, इसे दोबारा चाबी ऑन करके, जैसे कि आप देख रहे हो। एक तो यार मुझे लगता है ना कहीं इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी टाइम लगाता है उन्होंने। अभी हम इसका इंस्ट्रूमेंट ये बंद कर देंगे, ये बंद हो गया, ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे कि हमारा अब मीटर के ऊपर आते, पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर ये है कि देखो, एक तो इस पर मोड्स बहुत ज़्यादा हैं मोड्स। अब मैं बताऊँ ना आपको, एक तो सब चीज़ें इसमें पता चल जाती है। अब मेरी गाड़ी चल गई तो 299 किलोमीटर चल गई है, एवरेज अब दे रही है 24 का, पहले 18 उसका दे रही थी, पर अब धीरे धीरे आ रहा है। फ्यूल रेंज इसमें 52 की बची हुई है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें तो पता चल जाती है। अब मैं आपको बता दूँ इसमें एक और मेन चीज़, जैसे आप देख रहे हो ये हमारा फ्यूल का है, तो ये रेड वाली दो बटन, तो मतलब अभी लगा लो आप इसमें 3 से 4 लीटर तेल है। मतलब एक जो ये एक ये कैबिन है, इस कैबिन में एक जो ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक में कम से कम 2 लीटर तेल आता है, मैं आपको पहले बता दूं। ये आप ये मत समझना कि 2 लीटर तेल बचा है, इसमें बचा है कम से कम 3 से 4 लीटर तेल। उसके बाद ये हीटिंग का हो गया, साइड ये हो गया, किल स्विच का हो गया। उसके बाद एक और चीज़ बताऊँ, आप इसे कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन से, जैसे आप चाहो तो आप इसमें अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। आप ये बोलोगे कि बहुत से बोलेंगे कि RN5 भी कनेक्ट होती है, भाई RN5 कनेक्ट बिल्कुल होती है, पर RN5 में कॉल वगैरह रिसीव नहीं हो सकती, इसमें कॉल रिसीव हो सकती है। इसमें आपका व्हाट्सअप खुल सकता है, ऊपर से आप इसे गूगल मैप कर सकते हो ऑन, और गूगल मैप में जो आपकी आगे की डायरेक्शन होगी ये पहले ही इसमें एरो बता देगा आपको कि किस डायरेक्शन में आपको मुड़ना है। और ये देखो डिस्प्ले कॉल, कॉल भी आपकी डिस्प्ले में आएंगी, इतना बड़ा डिस्प्ले है, इसलिए तो दे रखा है, किसने दे रखा है। ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे, पर बस मैं एक चीज़ से ये हूँ, इस फीचर में है तो सब कुछ बढ़िया, पर अगर इस फीचर में मैप पूरा इस डिस्प्ले में खुल जाता, ओपन हो जाता, तो ज़्यादा ही मज़ा आता। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब आते हैं डिस्प्ले सेटअप पे। अब ये तीसरा जो फीचर है डिस्प्ले सेटअप,
डिस्प्ले सेटअप मतलब ये किसी भी इस पे फीचर्स नहीं आता, मतलब इसमें आप अपनी इसकी ब्राइटनेस तेज कर सकते हो जैसे फ़ोन में होती है। उसके बाद क्लॉक मतलब इसमें आप अपनी घड़ी अपने हिसाब से लगा सकते हो, डेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, डे और नाइट मोड इसमें आपको मिलता है, बहुत अच्छी बात है। और ऑटो अगर कर दोगे आप तो अपने आप ही नाइट मोड में हो जाएगा सेफ्टी, जब इसे पता लगेगा जब सेंसर से आपको लगेगा कि रात हो गई है, तो ये काफ़ी अच्छा मोड लगा मुझे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप चाहो तो आप इसमें जो तीसरा पॉइंट है, पहला था हमारा हैजार्ड का, दूसरा था हमारा कनेक्टिविटी का, तीसरा था हमारा डिस्प्ले सेटअप का, चौथा है जो हम इसे अपने कस्टम विजिट को हम अपने उससे कस्टम कर सकते हैं। जैसे आप चाहो तो यहाँ पे जो हमारी मेन स्क्रीन होती है, ये तो हमारा अभी खुल रखा है मेन्यू, जो हमारी मेन स्क्रीन होती है उसमें आप अपने उससे विजिट कर सकते हो, जैसे एवरेज कर सकते हो, लैप टाइमर हो गया, रेंज हो गया, ऑडोमीटर, ये सब अपने उससे सेट कर सकते हो। आपको कोई किसी से मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी ने दे रखा वही सेट है, आप चाहो तो अपने उससे रेंज सेट कर सकते हो। ओके, ये सब सारी चीज़ें हो गई आपकी इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, चार पॉइंट हो गए, एक सबसे पहला हो गया हैजार्ड लाइट का, दूसरा हो गया कनेक्टिविटी का, तीसरा हो गया डिस्प्ले सेटअप, चौथा हो गया कस्टम विजिट। और आप इसमें एक और चीज़ बता दूं आपको पांचवें पॉइंट में, स्पीड अलर्ट मतलब आप चाहो तो इसे 60 50 10 20 मतलब और गाड़ी में क्या होता है कि जैसी गाड़ी हमारी 1500 मतलब 1200 1300 1400 आरपीएम में जाती है तो ये रेड वाली लाइट ब्लिंक करती है। इसमें क्या है कि 60 से ऊपर जैसी स्पीड जाएगी रेड वाली लाइट ब्लिंक करेगी, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा यूज़फुल हेल्पफुल फीचर है यार, मज़ा आया मुझे इस फीचर्स को देख के। उसके बाद अब राइड मोड तो हो गया, अब माय व्हीकल में इसमें सर्विस हो गया, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आप देख सकते हो हर गाड़ी में दिख जाएगा आपको। और इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, जो डॉक्यूमेंट है इसमें आप चाहो तो अपनी तीन फोटो कर सकते हो सेव, एक आरसी कर सकते हो, अपने आप इंश्योरेंस कर सकते हो, और आरटीओ से कुछ अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो भी सेव कर सकते हो, मतलब तीन फोटो आप इसमें आराम से सेव कर सकते हो। अगर आपको कोई प्लेस या कुछ भी बाई चांस कोई इमरजेंसी पड़ती है, आपको किसी को अगर ये चीज़ दिखानी है अपनी आरसी वगैरह कुछ भी दिखानी है, तो आप इसमें तीन डॉक्यूमेंट सेव करके आप इसमें दिखा सकते हो, आपको लाइव दिखाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब ये बात हो गई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, सारे पांच पॉइंट जो हिजन फीचर्स थे मैंने आपको इसके बता दिए। एक चीज़ मुझे बहुत गलत लगी गाड़ी में, यार 4 लाख रुपए ले रहे हो आपको तो आपको इस पर फर्स्ट एड किट तो देनी चाहिए ना, पर फर्स्ट एड किट नहीं है इस गाड़ी में। मैंने ये गद्दी खोल के देखी, इसमें सिर्फ हमारा टूल बॉक्स है, फर्स्ट एड किट नहीं है, ये चीज़ मुझे थोड़ी माइनस पॉइंट लगा। और गाड़ी पूरी वैल्यू फॉर मनी है। और इस गाड़ी को मैं एक और चीज़ बताऊँ, एक जो चीज़ मैंने बहुत महसूस करी है, शायद आपने ना करी हो, इसमें क्या है जो टायर्स हैं ये मिशलिन के टायर्स हैं हमारे, मिशलिन के टायर्स, इसे आप रोड पे कितना भी लीन करो इस टायर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्लिप नहीं होगी गाड़ी, पर मिट्टी पे आप जितना ज़्यादा लीन करोगे उतनी ज़्यादा गाड़ी रपटेगी, मिट्टी में काबिल नहीं है टायर, मिट्टी में मतलब ये गाड़ी रपटेगी चाहे इसके टायर्स कितने भी तगड़े क्यों ना मिशलिन के, चाहे पीछे का 180 सेक्शन का हो आगे का 120 सेक्शन का हो, पर मिट्टी पर ये स्लिप होगा ही होगा। ये सिर्फ रोड के लिए हो, ट्रैक के लिए, ट्रैक में आप रोड पे आप जितना लेटाना चाहो इसे लीन कर सकते हो, गाड़ी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लो नहीं करेगी, पर जहाँ पे मिट्टी होगी वहाँ पे ये गाड़ी स्लिप होगी, ये गारंटी मेरी है। अगर आपको यकीन है तो आप खुद करके देख सकते हो, ये गाड़ी रपटेगी मिट्टी में। और ट्रैक पे मतलब जो रोड है हमारी मेन रोड पे आप इसे कितना भी लीन करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं एक और लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, पाँच पॉइंट मैंने कवर कर दिए। एक जो इसकी पीछे की लाइट है, लाइट देखो इसकी पीछे की डाई लाइट है डुकाटी से इंस्पायर, जो लाइट है पीछे की ऐसी लाइट इस सेगमेंट में 300 सीसी सेगमेंट में ऐसी लाइट किसी बाइक में नहीं आती। आप चाहो तो आप देख सकते हो, आप छानबीन कर लेना, जो कर लेना आप अपने कमेंट बताना इसकी लाइट आपको कैसी लगती है, मेरे को तो इसकी लाइट तगड़ी लगती है। और एक और चीज़ बताऊँ, जितनी मस्कुलर ये बॉडी से लगती है ना उतनी चलाने में है नहीं, पर पावर जो है इसमें पावर का तो मैं फ़ैन हूँ इसका, पहले गियर में जो ये पंच देती है ना, मतलब आगे का एकदम टायर ऐसे उठता है सीधा पहले गियर पे। पर यह है कि कंट्रोल के ऊपर बात है, गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है, जो मतलब से प्लस पॉइंट है, एक तो फीचर्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं गाड़ी के, प्लस पॉइंट ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है, टायर्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, गाड़ी जोर से चिपक के चलती है, लीन करते समय भी कोई दिक्कत नहीं होता, कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी में, एवरेज भी लगभग ठीक ही है, 300 सेगमेंट में अगर देखा जाए तो एवरेज भी बढ़िया, लुक भी बढ़िया, मतलब यार इसके तोड़ पे कोई बाइक है ही नहीं मार्केट में जो इसको बीट कर पाए, ठीक है। आगे का चाहे आप सेटअप देख सकते हो, लाइट्स का फुल्ली HID है और इतना तगड़ा लगता है कि पूछो मत, मतलब गाड़ी यार काती लाना लगती है, ऐसा कोई लोग नहीं जो उसे पलट के देखे नहीं और ऐसी कोई लड़की नहीं जो उसमें पलट के देखे ना और जो उसमें फ़िदा ना हो, मतलब मेरा पता नहीं पर जितना भी इसे देखा है जितने लोगों ने भी सब यही बोलते हैं भाई काफ़ी तगड़ी बाइक लग रही है आप, तो मतलब जब 4 लाख रुपये हम दे रहे हैं ना तो लगता है कि हाँ भाई वर्थ है, फीचर्स भर भर के दे रखे हैं, गाड़ी मज़ेदार है। अब मेन पॉइंट पे आता हूँ, तो फीचर्स के साथ गाड़ी में जब इतनी सारी चीज़ें मिलती है ना तो गाड़ी वैल्यू फॉर मनी कही जाती है। अब 4 लाख के अंदर मेरे को तो ये वैल्यू फॉर मनी लगती है, क्योंकि जितने इसमें फीचर्स हैं ना इतने फीचर्स आपको KTM में मिलेंगे ना, आपको निंजा में मिलेंगे ना किसी में मिलेंगे। अब बहुत से बंदे बोलेंगे डोमिनर की बात हो ही नहीं रही मेरे भाई, ये 400 सेगमेंट की और 300 सेगमेंट की बात हो रही है, पर नेकेड की नहीं फेयरिंग की बात हो रही है। ओके,
और बहुत ही जल्दी मैं इसके एक लीटर में कितना एवरेज देती है ये भी बताऊंगा आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। आपके काम के फीचर्स थे, हिडन फीचर्स मैंने आप लोगों को बता दिए। बहुत से लोग बोलते हैं भाई शीशे इसके क्यों नहीं खोलता, मैं शीशे से नहीं खोलता, वैसी गाड़ी इतनी बल्कि है, शीशे खोलूंगा तो रोड पर लगते हैं, इसलिए मैं शीशे नहीं खोलता। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना वीडियो को, जितने भी आप देखते हो ब्लॉग को पूरा देखना शुरू से। जिसने मेरी गाड़ी की डिलीवरी वाला ब्लॉग नहीं देखा वो भी देख लेना, ठीक है। ध्यान रखो अपने भी, अपनी फैमिली वालों को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।